नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभी रजवंशी है और मैं आज आप सब लोगों के लिए टॉपिक लाया हूँ माय फर्स्ट स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होता है ऐसे, जैसे कि सुनील गावस्कर जी को लगता है कि वो शायद आज क्रिकेटर नहीं बन पाते अगर उनके अंकल मिस्टर नारायण मसूलकर, जिन्हें वो प्यार से नान काका बुलाते हैं, वो अगर उस दिन जिस दिन लेखक जन्मे थे उस दिन हॉस्पिटल में अगर देखने उन्हें नहीं आते तो शायद से आज सुनील गावस्कर जी क्रिकेटर नहीं बन पाते। क्योंकि हॉस्पिटल में जब नर्स बच्चे लोग को नहला रहे थे तो गलती से वो नैरेटर को एक फिशर वुमन के बच्चे के साथ एक्सचेंज कर देते हैं नहलाने के बाद। और नेक्स्ट डे जब उनके काका फिर से आते हैं उन्हें देखने, तो वो आके देखते हैं कि नैरेटर के कान में छेद नहीं है। तो ये चीज़ देख के वो शॉक हो जाते हैं उनके काका, और फिर फैमिली को बताते हैं। और फैमिली को बताने के बाद हॉस्पिटल सर्च किया जाता है, और हॉस्पिटल सर्च करने के बाद पाते हैं कि सुनील गावस्कर जी यानी कि नरेटर एक फिशर वुमन के बेड के पास में एकदम चैन से सोए हुए हैं। अब नरेटर को लगता है कि वो अगर उनके कान में छेद नहीं होता और उनके अंकल उस दिन उन्हें हॉस्पिटल में देखने नहीं आते तो शायद से वो आज क्रिकेटर नहीं बनते और शायद वो एक फिशरमैन होते, यानी कि अभी मछली पकड़ रहे होते। नरेटर को ये नहीं पता कि वो लड़का जो कुछ समय के लिए उनका जगह ले लिया था उसे क्रिकेट में इंटरेस्ट है या नहीं। पर उन्हें ये लगता है कि अगर वो लड़का ये बुक पढ़ेगा तो उसे ज़रूर इसके ऊपर, इस सुनील गावस्कर के ऊपर इंटरेस्ट आएगा। अब लेखक कुछ अपना इंसिडेंट शेयर करता है बचपन का। अब लेखक एक वो इंसिडेंट शेयर करता है जब वो अपनी माँ का नाक ऑलमोस्ट तोड़ दिया था। लेखक और उनके माँ एक साथ क्रिकेट खेल रहे थे उनके घर के आंगन में, और तभी लेखक एक शॉट मारते हैं और उनके माँ के नाक में जाके बॉल लगता है बहुत ही ज़ोर से और खून भी निकलने लगता है। खून निकलने के बाद उनकी माँ उन्हें एकदम डांटती नहीं है, पर वो पानी से वो अपना मुँह धो के थोड़ा रेस्ट करके फिर से खेलने लगते हैं, पर इस बार थोड़ा धीरे धीरे खेलते हैं। लेखक को लगता है कि उनके खून में ही क्रिकेट है, क्योंकि उनके पापा भी बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और वो अभी भी अपने पापा के साथ क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। उनके अंकल माधव मंत्री भी बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, वो 4 ऑफिशियल टेस्ट मैच फॉर इंडिया भी खेल चुके हैं पर ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेखक अपने अंकल के घर में माधव मंत्री अंकल के घर में अक्सर जाते थे और उनके घर में जो इंडिया का जर्सी था, पुलोवर था, उसे बहुत पसंद करते थे और उनसे बहुत खेलते थे। और एक दिन उन्हें इतना पसंद करते थे कि एक दिन उन्होंने अपने अंकल से मांगे लिया कि अंकल मुझे चाहिए ये, आप क्या मुझे दे सकते हैं। उनके अंकल ने उन्हें कहा कि बेटा ये जो पुलोवर है, इंडिया का जर्सी पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है, खून पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके ये मिलता है। अब नरेटर को लगता है कि हाँ, तब उन्हें ठीक नहीं लगा था, पर अभी नरेटर को लगता है कि हाँ, उनके अंकल अच्छा हुआ उस दिन नहीं दिए, क्योंकि अभी नरेटर को मालूम है कि ये जर्सी पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है, खून पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके ये जर्सी मिलता है। और भी थोड़ा बताते हैं नरेटर अपने बचपन के बारे में। नरेटर को बचपन से क्रिकेट खेलना बहुत ही पसंद था, बहुत ज़्यादा पसंद था। वो हर समय क्रिकेट खेलते थे अपने दोस्तों के साथ, पर उन्हें बैटिंग करना सबसे ज़्यादा पसंद था। और अगर वो बाई चांस आउट हो जाते तो अपन क्या करते थे, खेल छोड़ के अपना बैट और बॉल लेके घर चल जाते थे और खेल भी बंद हो जाता था। इस कारण उसके दोस्त, नरेटर के दोस्त बहुत गुस्से हो जाते थे और उन्हें चिढ़ाते भी थे। और लेखक का टीम जो था वो पैसा डोनेट करके अपने पड़ोसी टीम से भी पैसा डोनेशन लेके ट्रॉफी खरीदता था, और अपने पड़ोसी टीम लोगों के अपने पड़ोसी जिले के साथ मैच भी खेलता था। मतलब दोनों जिला डोनेट करके एक ट्रॉफी खरीदते थे और ट्रॉफी पाने के लिए फिर मैच लड़ा जाता था दोनों के बीच में, दोनों जिला के बीच में, दोनों मतलब घर के, दोनों आपस के इलाके के बीच में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप शुरू से देखिए, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।